और मैं ये कहना चाहता हूं कि इसलिए कि आप परमेश्वर को सुनना चाहते हैं परंतु सुन नहीं सकते because you have the bible क्योंकि आपके पास because you can start your own church क्योंकि आप अपनी कलीसिया खुद because you have experience क्योंकि आपके पास अनुभव because we have the ability क्योंकि हमारे पास अपनी योग्यताएं हैं please कृपया it's god ये परमेश्वर है it is god परमेश्वर है it is his spirit ये उसकी आत्मा है that giveth life जो कि जीवन देता that sustains his people और जो अपने लोगों को बनाए रखता that है will cause them to go on और जो उनको आगे बढ़ाए रखेगा I would say to you dear brothers and sisters और मैं ये कहूंगा प्रिय भाई और बहनों it is all a matter of how you respond to words to sounds to scriptures that would come to us सारी चीजों का आधार इसी पर है कि किस प्रकार से उन शब्दों को उन आवाजों को उन वचनों को हम लेंगे और उसका मतलब Even when I say these things there are several who are sleeping here और इन चीजों के जब मैं ये बातें कह रहा हूं कई हैं जो कि अब And I am not ashamed to say that और इसको कहने से मैं लज्जित नहीं हूं And these cassettes and CDs may go to many people और ये कैसेट्स और ये सीरीज जो है बहुत से लोगों तक पहुंचेंगी That doesn't matter if they hear this और उनके लिए कुछ बात नहीं कि यदि वो उसको सुनेंगे कोई विषय नहीं But it's not a matter of sleeping today परंतु आज सोने की बात नहीं है It's the matter of every meeting और हर एक सभा What do you do with them आप उनके साथ क्या करते हैं Please कृपया Please Ask Saul in the Old Testament पुराने नियम के सॉल Ask से पूछें Saul in the Old Testament पुराने नियम के सॉल से पूछें The spirit of prophecy was upon him. उसके ऊपर भविष्यवाणी की आत्मा थी. And yet you know one thing. और फिर भी हम एक चीज जानते हैं. The frustration of a man. और मनुष्य का. The frustration of a man. और मनुष्य का जो उतार था. Who could no longer hear God's voice. जो कि परमेश्वर के आवाज को अब सुन नहीं सकता था. You see that man's frustration. और उसके बिगाड़ को आप देखें कैसा Saints, I don't stand here to judge anybody. मैं यहाँ पर किसी का न्याय करने के लिए But let us all judge ourselves by the help of the Spirit. परंतु हम पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपनी Let me say one thing. और एक चीज मैं कहता हूँ That very voice of God. वो ही परमेश्वर की आवाज Can make your ears heavy. आपके कानों को भारी कर सकते Those very words that would open the ears of some can shut the ears of some as well. और वही शब्द जो के कुछों के कानों को खोलेंगी वही शब्द कुछ के कानों को That very word that will open the eyes of some to behold can cause the eyes to be shut. और वही शब्द जो के कुछ Please. लोगों की आंखों को खोलेंगे कि वो देखें कुछ की आंखों को बंद कर देंगे वो ना देखें God is no respecter of persons. परमेश्वर किसी का पक्षपात करने वाला नहीं है वो निरपक्ष है It is with us. यह हमारे ऊपर है It is with our hearts. यह हमारे हृदयों पर है The Lord says again in Revelation chapter 2. प्रकाशित वाक्य और उसके दूसरे अध्याय में परमेश्वर Why is the Lord saying not to unbelievers but to God's own people? परमेश्वर अन्य जातियों से नहीं अन्य अविश्वासियों से नहीं परंतु परमेश्वर के Why these words are not to unbelievers there in the street but to God's own people he that has an ear let him hear और ये शब्द जो है परमेश्वर के वो अन्य जातियों और अविश्वासियों के लिए जो सड़कों पर है उनके लिए नहीं है परमेश्वर क्यों कहता है कि वो जिसके कान हो वो सुने Yes Why is it ऐसा क्यों है टू हिज ओन पीपल उसके अपने लोगों के लिए नॉट टू अनबिलीवर्स अविश्वासियों के लिए नहीं टू हिज ओन पीपल उसके खुद के लोगों के लिए He जो यहां हैं दैट हैज एन ईयर लेट हिम हियर वो जिसके कान हो वो सुने रेवलेशन चैप्टर 2 एंड 3 प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय वी रीड द रिपीटेडली मेंशनड और हम उसको बार-बार हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 दूसरा अध्याय एंड वर्स 7 सातवां वचन प्रकाशित वाक्य मुकाशफा की पुस्तक दूसरा अध्याय 3 वचन ही हु इज एबल टू हियर लेट हिम लिसन टू एंड गिव हीड टू व्हाट द स्पिरिट सेज टू द चर्चेस और वो जो कि सुन सकता है वो ध्यान करे कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है
Because God knows. क्योंकि परमेश्वर जानता every eye is not seeing and every ear is not hearing. कि हर एक आंख नहीं देख रही और हर एक कान सुन नहीं रहा है. So this scripture or this expression is repeated in the book of Revelation again and again. ये अभिव्यक्ति जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बार-बार दोहराया गया है. So the issue is a spiritual hearing. और विषय इसका यही है कि आत्मिक सुनना. An ear to hear. एक कान जो सुन सके. What the Spirit is saying now. कि अब आत्मा क्या कह रहा है. Every Sunday, हर रविवार को, every gathering in the week, सप्ताह के हर एक सभा के अंदर, they fail to hear the words. वो आवाज को सुनने में नाकाम रहते हैं. They did not detect. और वो उसकी जांच नहीं कर सकते उस आवाज की. Of the prophets. जो कि भविष्यत वक्ताओं की हैं और उसको परख नहीं सकते. Yes. Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों. Let's see one thing very clearly what happened in their times. एक बात को हम स्पष्टता से देखें कि उनके समय में क्या हुआ. We see one thing very clearly. एक चीज बड़ी स्पष्टता से हम देखते हैं. It happened with God's people. That tragedy happened with God's people. वो त्रासदी जो थी वो परमेश्वर के लोगों के साथ घटी. Not because. इसलिए नहीं. The prophets were not faithful. के भविष्यवक्ता विश्वास योग्य नहीं थे. But those who heard, परंतु वो जिन्होंने सुना, they did not respond to that voice of the prophets. भविष्यवक्ताओं की उस आवाज का प्रतिउत्तर उन्होंने नहीं. That came through the mouths of those who read it. जो कि उन मुखों के द्वारा उन तक पहुंचा जिन्होंने वो पुस्तकें पढ़ी. Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, I am certainly burdened in my spirit. विश्वसनीय रूप से मेरी आत्मा पर यह बोझ है. God is concerned with his people. परमेश्वर अपने लोगों की चिंतन करता है. Please, प्रिय, year after year. साल ब साल we have been coming together for camp meetings. शिविर सभाओं के लिए हम एकत्र होते रहते हैं. In Delhi, दिल्ली के अंदर twice, दो बार. In South twice, और दक्षिणी भारत में दो बार. In Ajmer, अजमेर. In the Northeast, Northeast में. Sunday after Sunday, हर रविवार को. Weekly gatherings, साप्ताहिक सभाओं के अंदर. The issue in all these gatherings was one thing. इन सारे सभाओं का उद्देश्य केवल एक था. To detect and to discern the voice of the prophets. कि हम भविष्यवक्ताओं की आवाज को परखें और जांचें. Bring us to that place and measure of Christ in our lives. और हमें वो उस स्थान में ला सके कि मसीह किस हद तक हम में है. And I would like to say here in closing this morning.
आज सुबह संपन्न करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा यहां पर that God is merciful, परमेश्वर दयालु है, अनुग्रही है, परंतु He will meet with you on the same ground you want to meet with Him. वो आपसे उसी भूमि पर भेंट करेगा जिस भूमि पर आप उससे भेंट करना चाहते हैं. On what ground do you want to meet Him? किस भूमि पर आप उससे मिलना चाहते हैं? That will be the same ground He would like to meet with you. उसी भूमि पर परमेश्वर आपसे मिलेगा. The same voice that would open the eyes of many. वही आवाज जो कि बहुतों के कानों को आंखों को खोलेगी. That same voice is shutting the eyes of many. वही आवाज कईयों की आंखों को The voice that would open the ears of many. वो आवाज जो कईयों के कानों को खोल रही है. They are making the ears of many heavy. वही आवाज कईयों के कानों को भारी कर रही है. Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, in a God is merciful God, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है. He is concerned about His remnant, His people in this hour. उसकी चिंता अपने बचे हुए लोगों के विषय में है, उसके लोगों के विषय में. And I believe that God has a word for us. और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक वचन है. God wants to do His work in us. परमेश्वर चाहता है कि वो अपना कार्य हमारे भीतर करे. He wants us to hear His voice in our lives. वो चाहता है कि अपने जीवनों में हम उसकी आवाज को सुने. So let us approach these days. और इन दिनों में हम उस स्तर में पहुंचे heart of brokenness. जहां पर कि हमारे हृदय टूटे. And perceive and discern and detect और समझे और जाने और जांचे भविष्यवक्ताओं की उस आवाज को. And we come to the place and the measure of His Son. जब God desires in His remnant in this critical time. और इस विशेष समय के अंदर, नाजुक समय के अंदर, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र तक पहुंचे. May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे. Shall we all stand up before the Lord? I promised you I won't be long, and just one hour time. मेरा वायदा था कि मैं अधिक समय लूंगा. Shall we all stand up before the Lord? Take little time. Thank you, Jesus. And it's my prayer that this morning we would not miss the voice of the prophets. मेरी प्रार्थना यही है कि आज सुबह हम भविष्यवक्ताओं की आवाज से वंचित नहीं होंगे. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. May we approach these days with a heart of brokenness. In dinon mein Hallelujah, saints of ek God. Toote hriday se pahunche. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Just take time to just reach out to God. Hallelujah. Parmeshwar tak pahunche. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's confess our situations and our realities. No makeups before Him, saints.
हालेलुया अपनी परिस्थितियों और वास्तविकताओं को उसके सम्मुख लाएं हालेलुया If we confess and forsake them, oh, then we will receive mercy and pardon and cleansing. यदि हम इसका अंगीकार करें और उनको कहें, Thank you, Lord. तो तभी हम आगे बढ़ें. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Oh, many, many hearings did not result in the measure of His Son. As it ought to in our lives. बहुत सा Hallelujah. उसके पुत्र के उत्तर तक हमें नहीं पहुंचा पाया. Hallelujah. जहां हमें पहुंचना चाहिए था. We heard and heard sounds, words. और हमने आवाजें सुनी, शब्द सुने, वचन सुने. Innumerable times. अनेकों समय में. Different places. अनेकों स्थानों में. And the resultant was not Christ. परंतु उसका परिणाम मसीह नहीं था हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू हालेलुया लॉर्ड हेल्प अस और रब का यात्रा का हालेलुया माता रब शादरी बे काया लिमा खबर सकत री में Lima kabo shira la bakayat lima kabo. Lima shada la bakayat la basaga lima. Lima rabo shuburi bikaya la bas. Thank you Jesus. Thank you. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Oh God, help us. In this crucial time, in this critical time, Lord. इस नाजुक समय में पिता सहायता कर हमारी. पुराबाया सादे निया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We must stand for Rabaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. To thee, my blessed Savior.
all.